स्टूडेंट्स 27 जून 2023 के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है इंडिया इजिप्ट रिलेशंस के बारे में है जो कि द हिंदू के अंदर मेंशन है। स्टूडेंट्स इंडिया इजिप्ट रिलेशंस के रिवाइवल फेज की यहां पे बात की गई है कि हिस्टोरिकल दोनों कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से रिलेशंस हुआ करते थे बट प्रेजेंट समय में उनको रिवाइवल किया गया है। डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए हैं, कोऑपरेशन को बूस्ट किया गया है। चाहे अगर हम बात करें इजिप्ट के थ्रू इंडिया का, जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं या नॉर्दर्न अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो इंगेजमेंट यहाँ पर बूस्ट होगा, तो उन सब के बारे में बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर में। तो हमारा जो जीएस पेपर सेकंड है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है ये। ग्रांड रिवाइवल की यहाँ पे बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करें तो ये एडिटोरियल हमने बिजनेस लाइन नाम का जो न्यूज़पेपर है वहाँ से लिया है और यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात की गई है कि जिस स्कीम का जो इनिशिएशन है वो आपको 2020 का इनिशियल फेज के समय देखने के लिए मिलता है। और आप देखें कि क्या इनकी इम्पोर्टेंट सक्सेस स्टोरी है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की, कितना इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आया, कितने लोगों को यहाँ पे जॉब जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हुआ, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मारुति सुजुकी के बारे में भी बात किया गया है कि 1980s के समय जब मारुति सुजुकी का जो इंडिया में प्लांट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था तो कैसे उसकी सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में भी एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे बताया गया है। तो स्टूडेंट्स उन सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल डाटा फैक्ट सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जीएस पेपर थर्ड के पर्सपेक्टिव से हमारा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स आज का जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल इंडिया इजिप्ट रिलेशंस के बारे में है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर इजिप्ट की विजिट के लिए गए थे, एक बायलेटरल विजिट थी। अब यहाँ पे हमारे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स इंडिया और इजिप्ट के जो यहाँ पे रिलेशंस हैं उनको यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। इंडिया इजिप्ट के जो बायलेटरल रिलेशंस हैं उनको एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप में यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। तो बेसिकली इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपग्रेडेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और ये इंडिया का जो जियोपॉलिटिक्स है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के अंदर हों, चाहे आपको नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर हों या वेस्ट अफ्रीका के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर हों, इन सब रीजन्स के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है उसको बूस्ट करेगा। और हिस्टोरिकली आपको देखने के लिए मिलता है कि इंडिया का इन जो कंट्रीज हैं स्पेशली वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ के साथ तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी सही है। बट आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो नॉर्दर्न अफ्रीका हैं उनके साथ में आपको जो हिस्टोरिकल जो इंगेजमेंट है वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा, तो उसको बूस्ट करने में ये हेल्प करेगा। तो रिसेंटली इंडिया और इजिप्ट ने अपने जो रिलेशंस हैं उनको रीस्टेब्लिश किया है, अपनी टाइज को यहाँ पे दोबारा से रिवाइवल फेज के अंदर लेके आए हैं रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखें कि 2023 का जो हमारा रिपब्लिक डे परेड था तो उसके एक चीफ गेस्ट के रूप में जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अल सीसी उनको बुलाया गया था। आप देखें किस तरीके से हमारे जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे बूस्ट हुए हैं। हमारी जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के समय भी हमारे जो रिलेशंस हैं, चाहे ट्रेड रूट के थ्रू हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट वेज के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में अब अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें या सिमिलरिटी की बात करें तो नाइल नाम की जो नील नदी है, नाइल रिवर है, वो वहाँ से फ़्लो करती है इजिप्ट के थ्रू में, और हमारे यहाँ पे जो गंगा रिवर है वो फ़्लो करती है। तो दोनों का हाँ आपको जो सेम ही प्रोसीजर है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्टेबल कंट्रीज भी हैं, इंडिया और इजिप्ट दोनों ही स्टेबल हैं, पॉलिटिकली काफ़ी स्टेबल आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें इंडिया और इजिप्ट के फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में तो 1955 के समय इस ट्रीटी को साइन किया गया। इंडिया के द्वारा इजिप्ट को सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो स्वेज कैनाल क्राइसिस हो या आफ्टर द जो इनका इजिप्ट का इजराइल के साथ में वॉर हुआ, चाहे वो रिवाइवल फेज हो, तो हर एक समय इंडिया के द्वारा इजिप्ट को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। 1961 के समय स्टूडेंट्स
इजिप्ट के साथ मिलके ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा नॉन अलाइन मूवमेंट है, नाम का जो मूवमेंट है उसे स्टार्ट किया गया। डैट टाइम वर्ल्ड कम्प्लीटली डिवाइडेड इंटू द टू ब्लॉक्स, रसिया और यूएसए, और उस कम्प्लीटली उस दोनों ब्लॉक्स को यहाँ पे ना शामिल होते हुए अपना एक तीसरा जो ब्लॉक है वो क्रिएट किया गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन की भी अगर हम बात करें, दोनों ही कंट्रीज के द्वारा समय समय पे जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, जो पहले के समय कॉलोनी हुआ करते थे, ऐसे कंट्रीज की जो वॉइस है उसको भी रेज किया गया है, चाहे वो G77 ग्रुपिंग के थ्रू हो। तो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि बोथ कंट्रीज आर द नेम के फाउंडर हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी आपको देखने के लिए मिलती है, दोनों की एंशियंट सिविलाइजेशन है, और दोनों के अंदर ही जो ग्रेट रिवर हैं जैसे गंगा इंडिया के अंदर, और वहाँ पर जो नाइल नदी है वो फ्लो करती है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें, रिसेंटली कुछ डिसीजंस जो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस को यहाँ पे रिवाइवल फेज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखें कि इजिप्ट के द्वारा मैक्सिममली जो वीट है उसका इंपोर्ट किया जाता है, और इंपोर्ट करने की वजह से आप देखिए कि जैसे ही रसिया और यूक्रेन क्राइसिस हुआ, रसिया और यूक्रेन क्राइसिस के बाद में जो ग्रेन्स हैं जो यहाँ पे मेन सप्लायर हुआ करते थे यूक्रेन के लिए, उनकी सप्लाई यहाँ पे कम्प्लीटली डिस्टर्ब हुआ। बट इंडिया के द्वारा बिफोर जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एग्जिस्टेंस के अंदर आए, उससे पहले ही इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो वीट है उसकी सप्लाई की गई इजिप्ट को। दोनों ही कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज़ का आपको जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इजिप्ट की जो पॉपुलेशन है वो अरब वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट है, 110 मिलियन आपको उनकी जो पॉपुलेशन है वो देखने के लिए मिलती है। दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट पीपल्स हैं उनको यहाँ पे रोकने की, उनके अगेंस्ट में फ़ाइट करते हैं, बोथ कंट्रीज, जो आपको टेररिज्म के अगेंस्ट में देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया एंड इजिप्ट बेसिकली ओल्ड फ्रेंड हैं, उनका एक न्यू राइजिंग पावर के रूप में या न्यू पोटेंशियल के रूप में यहाँ पे रिवाइवल किया गया है। मल्टीपोलर वर्ल्ड के दोनों ही यहाँ को उसको एंडोर्स करते हैं। इसका आपको इनिशिएटिव्स अलग अलग जो डिफरेंट टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि आप देखिए जो G20 का प्लेटफॉर्म है, जो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे रिवाइवल करने की बात की गई है, रिफॉर्म करने की बात की गई है, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशन के इंस्टीट्यूशन हो। तो अभी रिसेंटली जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के चीफ गेस्ट रहे, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल नाम का जो उनका हाईएस्ट अवार्ड है, स्टेट का हाईएस्ट ऑनर है, वो प्रोवाइड किया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लास्ट 10 ईयर के अंदर काफ़ी सारे कंट्रीज के द्वारा अपना जो हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट मेडल है, वो दिए गए हैं। चाहे आप देखें यूनाइटेड अमीरात हो, चाहे जापान हो, तो काफ़ी सारे कंट्रीज हैं। रिसेंटली इजिप्ट के द्वारा जो ब्रिक्स नाम का जो ग्रुप है, उस ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने की जो अपनी इच्छा है वो बताई गई है। न्यू डेवलपमेंट बैंक इनके द्वारा ज्वाइन किया गया है। स्टूडेंट्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, और उसका हेडक्वार्टर आपको संघाई के अंदर देखने के लिए मिलता है, चाइना के अंदर में। चाइना के अंदर दो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग के अंदर देखने के लिए मिलता है, और न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर संघाई के अंदर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे साउथ जो ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में ज्वाइन करने की जो इनकी बेसिकली इजिप्ट की जो इच्छा है वो बताई गई है। तो आने वाली जो केप टाउन समिट है जो अगस्त के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी ब्रिक्स की, तो हो सकता है कि उसके अंदर यहाँ पे इजिप्ट है वो इस ब्रिक्स का नाम का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के बारे में बात करें तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में है। रिसेंटली स्टूडेंट्स, सेकंड फेज़ को रिवाइवल करने की बात की गई है कि जो सेकंड फेज़ है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का, उसको यहाँ पे स्टार्ट किया जाए, जिससे कि मोर एरियाज़ के अंदर जो कोऑपरेशन है, मोर एरियाज़ के अंदर जो इंडिया का खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट किया जा सके। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आपको मार्च 2020 के समय देखने के लिए मिलती है। कैसे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है या जो इम्पोर्ट को करटेल करने के रिगार्डिंग में 14 सेक्टर्स के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था।
अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे 2022 एंड 23 के अकॉर्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है कि इसके अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट 56,000 के आसपास जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा देखिए कि यहाँ पे जो जॉब का जो जनरेशन है उसकी बात की गई है कि 6 मिलियन के आसपास जो जॉब हैं वो जनरेट होंगी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के थ्रू। यहाँ पे आपको जो कॉम्पिटिटिवनेस है कंट्री के अंदर में वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसके अलावा आप देखिए कि लोकल जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है या लोकल सोर्सिंग को यूज किया जाएगा इंडिया के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में, तो ये यहाँ पे जो कंपटीशन है जो आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है उन सभी को बूस्ट करता हुआ दिखाई देता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। रिसेंटली हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, बट आप देखिए कि इंपोर्ट भी आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं वो रेज की गई हैं कि कुछ स्पेशल सेक्टर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। बल्क वे में सभी सेक्टर्स के ऊपर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को ना स्टार्ट किया जा सके, हमारे जो लोकल सोर्सिंग है उसको यूज़ किया जाए, यहाँ पे इंपोर्ट ना हो, एक्सपोर्ट मैक्सिमम इंडिया से देखने के लिए मिले। और कुछ एरियाज़ के अंदर जो एंकर इन्वेस्टर है उसकी भी बात की गई है कि कुछ एरियाज़ के अंदर में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में, तो यहाँ पे मारुति सुजुकी के बारे में बात की गई है कि कैसे इनिशियल फेज़ के समय 1980s के समय मारुति सुजुकी के द्वारा जो अपना जो कार मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर ध्यान दिया गया और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया जिससे काफ़ी सारा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, काफ़ी सारा जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट मिला। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऐसी ही बात की गई है कि सभी सेक्टर्स के ऊपर ना ध्यान देके कुछ ऐसे डोमेन एक्सपर्ट इंडिया को यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। यहाँ पे इंडिया का जो चाइना के साथ में इंडिया से इंडिया के लिए जो इम्पोर्ट होता है उसको रिड्यूस करने की भी बात की गई है कि कैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो एक जो चाइनीज़ जो इम्पोर्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आपको जो लोकल सोर्स को यूज किया जाएगा, तो जो यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर जो हाई कार्बन एमिटिंग जो सब्सटेंस है उसको उनके द्वारा मोर टैक्स लगाया जाता है, तो वहाँ पे भी आपको कार्बन जो कार्बन टैक्स है यूरोपियन यूनियन का उसको भी कोप करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर यूज़ किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके रिवाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव ये शामिल होगा। तो अब समय आया है कि जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसका जो सेकेंड फेज है उसको स्टार्ट किया जाए, जिससे कि इंडिया का यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिवनेस है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो डेवलप हो सके। तो उन सब पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन था। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।